अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2020 में 2 मार्क्स का रखा है, 2020 में 2 मार्क्स का। आप कहोगे सर 2020 में कितने क्वेश्चन करवा दिए आपने, इतने क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं बोर्ड में। बिल्कुल सही, आपकी बात सही है, इतने क्वेश्चन नहीं आते बेटा, 4 सेट बनते हैं, हर सेट के क्वेश्चन नहीं है, आई बात समझ में, इसलिए इतने क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो अब और वैसे भी यार प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको करने से मतलब है, इतना क्यों सोचते हो कि सर यही कर ले वही कर ले, मान लो इस यही तो गलत करते हो आप। मैथ को जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आएगी। अब देखो ये क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें क्या चाहिए लाना है, 2 sec² थीटा। और मैं आपको बार बार बता चुका हूं sec² थीटा कभी आता है, जब अपोन में या तो cos² थीटा हो या ये हो 1 + tan² थीटा। ठीक है, अब 10 स्क्वायर थीटा लाना है, 10 स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि भाई 10 तो तभी आता है जब अपोन में या तो कोट स्क्वायर थीटा हो या अपोन में साइन स्क्वायर थीटा हो या कोस स्क्वायर थीटा हो, सीधी सी बात है। ठीक है, अब इसी को थिंकिंग कर लो, देखो थिंकिंग एबिलिटी कैसे डेवलप होती है। यहाँ देखो, यहाँ पे हमें अपोन में क्या दिख रहा है, साइन साइन दिख रहा है ना, और तो कुछ दिख नहीं रहा भाई, कहीं कहीं से कोट आता हुआ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर और इसको इधर, तो क्या हो जाएगा ये, ध्यान से देखो, 1 - sin θ एक तरफ और इधर क्या हो जाएगा +1 + sin θ, और अपोन में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 1 + sin θ और इधर से क्या हो जाएगा 1 - sin θ। अब देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन, अगर मैं इसको इसको ए मान लू और इसको बी मान लू, सिमिलर वे में इसको ए मान लू और इसको बी मान लू, है ना, कोई दिक्कत यहां तक, 1 + sin θ और यहां पे जाएगा। ठीक है, नहीं इसको मत मानो यार, इसका काम ही नहीं है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इसको मत मानो। ठीक है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, इसको मान लेते हैं, अगर ए मान लिया और इसको बी मान लिया, सिमिलर वे में इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, इसको और इसको ए, इसको बी, इसको ए। तो देखो ध्यान से, ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ऊपर क्या दिख रहा है, 1 - sin θ प्लस 1 + sin θ। नीचे देखो ध्यान से, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए की जगह 1 आ रहा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आया, देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से, इस साइन से ये साइन कट गया, क्यों, ये माइनस है ये प्लस है, तो ऊपर क्या बचा 2। और नीचे देखो 1 - sin² थीटा को इस आइडेंटिटी से देखो, हर क्वेश्चन में यूज हुआ है, मैं वही तो दिखाना चाह रहा हूँ कि शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें इस आइडेंटिटी का यूज ना हुआ हो। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें लाना है cos² थीटा को, मैं लिख सकता हूँ 1 - sin² थीटा, आई बात समझ में, बस 1 - sin² थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम, cos² थीटा। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1 / cos² थीटा, आई बात समझ में। अब देखो हो गया सो, इस पूरे को वापस अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ उस आइडेंटिटी से, देखो 2 × 1 / cos² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, आगे यही हमें प्रूव करना था। कहना देखो कितने बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, कैसे एग्जामिनर आपको चेक कर रहा है, आइडेंटिटी सब कैसे यूज करवा रहा है। अब इसी क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन क्यों पूछा गया है आपसे, देखो आपसे एक ये आइडेंटिटी यूज करवाई उसने, आपसे ये आइडेंटिटी यूज करवाई और आपसे ये आइडेंटिटी यूज करवाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, आई बात समझ में। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है और 3 आइडेंटिटी यूज करवाई, अब समझ में आया एग्जामिनर की मेंटेलिटी क्या है, क्यों ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आपको चेक करता है कि आप कितने अच्छे हो आइडेंटिटी यूज करने, आई बात समझ में, नोट डाउन करो बहुत अच्छे से, मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे से आपको पूरे वेल एक्सप्लेन कर पाऊँ, फिर भी अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखना। यूट्यूब पे पढ़ने का सबसे बढ़िया फायदा यही है कि आपको एक बार चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो 2 बार 3 बार करके देखो, अरे कब तक नहीं समझ में आएगी, कभी तो समझ में आएगी यार, नोट डाउन करो, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करो जल्दी से।